नमस्ते दोस्तों, मैं आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट बेसन के लड्डू। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 कप बेसन, और यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चीनी, और थोड़ी सी पानी मैं यहाँ पे डाल दूँगी और चीनी को मेल्ट कर लूँगी। देख सकते हो चीनी हमारा पिघल गया है। थोड़ी सी नमक हम यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के लिए। चीनी हमारा जमा होने लगी है, गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। चीनी का बुरा हमारा बनके तैयार है। इसमें जो दाने दाने हैं इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और एक छलनी से इसको हम छान लेंगे। कप घी, और यहाँ पे डाल दूंगी मैं बेसन। हमने जो 2 कप बेसन लिया था उसको यहाँ पे डाल दूंगी, और इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे मैं पकाऊंगी। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप बेसन को धीमी आंच पे और धीरे धीरे पकाए। अगर आप गैस के फ्लेम को हाई कर दोगी तो आपका जो बेसन है उससे कच्ची वाली स्मेल आएगी और ये जल्दी से और आपका बेसन जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही 20 से 25 मिनट के लिए धीरे धीरे पकाएंगे। आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। आपका बेसन जब थोड़ी सी घी छोड़ देगा इसी स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फूड कलर। पानी हमारा जो बेसन है उसको दानेदार बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसे, और हम फूड कलर डालने से आपका जो बेसन है वो दिखने में हलवाई जैसे कलर आएगा। बेसन हमारा बनके तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे, और यहाँ पे डाल देंगे हम इलायची पाउडर, और जो हमने बूरा बनाया था इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हाथ से हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको हम लड्डू के शेप पे सारे बेसन को हम बना लेंगे। हलवाई जैसा बिल्कुल परफेक्ट लड्डू हमारा बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।